बिहार में जो कोशिशें चल रही हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं, और यही कारण है कि कम से कम कल रात की हिंसा के बाद से शांति यहां पर अपेक्षाकृत देखने के लिए मिली है। लेकिन बंगाल में ऐसा नहीं हो रहा है। बंगाल में रामनवमी के दिन जो आग लगी, हिंसा की आग लगी, उसके बाद से लगातार वहां पर हिंसा चल रही है। आज भी इस तरह की वारदातें हुई, यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक इस में घायल भी हो गए। दोनों तरफ से आरोपों की बौछार हो रही है, यानी टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी दोनों तरफ से एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। बंगाल के हुगली में हिंसा की ये आग शाम ढलते ही उठने लगी। रात के अंधेरे में उन्माद की लौ ऐसी उठी कि इंसानियत तार तार हो गई। आज तक से खास बातचीत में पश्चिम बंगाल के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने ममता सरकार पर निशाना साधा। पुलिस को पूरी तरीके से ममता बनर्जी से इंस्ट्रक्शन था कि कुछ नहीं करना है, जैसे चल रहा है चलने दो, हिंदुओं को मार खाने दो, रामनवमी का जुलूस ध्वस्त होने दो। ये पॉलिसी इस बार तृणमूल कांग्रेस ने लिया है, और तृणमूल कांग्रेस की और ममता बनर्जी की शह के कारण जो गुंडे है, जो फेनाटिक्स है, जो बाकी धर्मों के लोगों को टॉलरेट नहीं करते, ऐसे कुछ लोग, कुछ तत्व वो हमला कर रहा है रामनवमी पर। हुगली में दो गुटों की हिंसक झड़प सियासी अखाड़े में तब्दील हो गई है। हम लोग ओपन जीप में थे, काफी बड़ी रैली थी, 1.5 किलोमीटर, पूरा शहर से लोग निकले थे, बच्चे, महिलाएं, बूढ़े सब थे। अचानक यहाँ एक बस्ती में मस्जिद के पास से ही ईटा पत्थर आना शुरू किया, काफी धमाकेदार बार लोग भागने, उनको रुक गया हम लोगों ने, फिर उनको संभालने के बाद फिर ईटा पत्थर आया। पुलिस भी हमारी तरफ ही टीयर गैस फेंकने लगी, बम के भी आवाज आई, मेरे गाड़ी के सामने आया। बीजेपी का दावा है कि हावड़ा के बाद श्रीरामपुर में भी हिंदू त्योहार के दौरान हिंसा हुई है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय के मुताबिक हावड़ा के बाद श्रीरामपुर जल रहा है, रामनवमी शोभा यात्रा पर हमला हुआ। सिर्फ रामनवमी ही नहीं, दूसरे हिंदू त्योहार के दौरान मुस्लिम उपद्रवी हमले करते हैं। लक्ष्मी पूजा के दौरान भी कोलकाता के खिद्दरपुर मोमिनपुर में दलित परिवारों को निशाना बनाया गया। बंगाल में रामनवमी पर हिंसा को लेकर आज सुबह से माहौल गर्म था। सुबह सुकांता मजूमदार शिवपुर जाने वाले थे, लेकिन धारा 144 की वजह से नहीं जा सके। हावड़ा पुलिस के फैसले से बीजेपी नेता का गुस्सा फूटा, उन्होंने दो टूक कर दिया कि अब इस मुद्दे पर रण होगा, मामला अब दिल्ली तक पहुंचेगा। शिवपुर में एंट्री रोके जाने पर सुकांता मजूमदार का गुस्सा फूटा, वो सीपी से भी मिले और पुलिस के रवैये की शिकायत की। उससे पहले मजूमदार ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी के राज में बंगाल पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है। उन्होंने केंद्र से दखल की मांग भी की। ऑब्वियसली कोई सेंट्रल एजेंसी को इसमें उतारना चाहिए, तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। बीजेपी ममता सरकार पर हमला बोल रही है। पार्टी का आरोप है कि हावड़ा और राज्य के कई इलाके हिंसा से झुलस उठे और मुख्यमंत्री तुष्टिकरण की नीति अपना रही है। ममता दीदी सो रही हैं, एक वर्ग को संरक्षण प्रदान कर रही हैं। सख्ती के बीच पुलिस ने दो टूक कह दिया है कि हिंसा फैलाने वाले बच नहीं पाएंगे। हावड़ा में हिंसा के बाद से कई आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, ड्रोन का इस्तेमाल कर हालात पर नजर रखी जा रही है। ममता सरकार एक्शन का दावा कर रही है, लेकिन हिंसा की आग थम नहीं रही। यही वजह है कि बीजेपी लगातार हमलावर है। ऋतिक मंडल के साथ सूर्याग्नि राय, हावड़ा, आज तक। लगातार हमारे तमाम संवाददाता आपको पूरी खबर इस हिंसा की दिए जा रहे हैं। हम एक एक गली, मोहल्ले, हर पर नजर रख रहे हैं। आदित्य गौतम ने आपको सासाराम से, रोहित सिंह और मैंने आपको यहाँ बिहार शरीफ से सारी रिपोर्ट्स दिखाई।